छिंदवाड़ा में किसानों की प्रमुख फसल सफेद सोने के नाम से मशहूर कपास को सही दाम नहीं मिलने से किसान खून के आंसू रोने को मजबूर हैं। एक तो बारिश की मार से अन्नदाताओं की फसलें चौपट हो गई हैं, दूसरी ओर बची कुची फसल के सही दाम नहीं मिलने से सीसीआई और व्यापारियों के चंगुल में किसान दम तोड़ता नजर आ रहा है। सीसीआई ने सौसर में खरीदी शुरू कर दी है, किंतु इस समय ज्यादातर किसानों को फसल सीसीआई के मापदंडों में नहीं बैठ रही है। किसान लगभग 13-14 गाड़ियाँ आ रही है। अच्छा। हम सीसीआई मंडी से ही कपास खरीदती है। अच्छा। जो हमारे पैरामीटर के वो जो मापदंड तय किए सीसीआई के, वो हिसाब से ही खरीदी होती है। अच्छा। मॉइस्चर मीटर 8% से लेके 12% तक की नमी वाला कपास सीसीआई लेती है, 12% के ऊपर के नमी वाला कपास रिजेक्ट हो जाता है। इस अवसर के आधे दिन लगभग बंद हो चुके हैं। अच्छा। और किसानों की हालत भी बहुत खराब है, और किसान के घर में माल कम है, और किसान के रेट में हम माल खरीद नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सौसर में मंडी टैक्स बहुत ज़्यादा है, बिजली की भी समस्या बहुत ज़्यादा, बिजली बिल महाराष्ट्र से ज़्यादा है, और यहाँ पे जो कम से कम 80 से 90 लेबर एक दिन में काम करते थे।